हेलो एवरीबॉडी, कैसे हालचाल हैं आपकी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दुपट्टा लेने के कुछ अलग अलग से तरीके, क्योंकि जब हम पंजाबी सूट पहनते हैं या कोई भी इंडियन आउटफिट पहनते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हम अपने दुपट्टे को कैसे डील करें, स्पेशली अगर हमारा दुपट्टा हैवी हो। अगर लाइट हो तो हम उसे कैसे भी मैनेज कर लेते हैं, पर सम टाइम होता है कि हमारा आउटफिट काइंड सिंपल है, नॉट सो सिंपल, बट दुपट्टा काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है। जैसे मेरा ये दुपट्टा है, इसे हम हैवी कहेंगे या आई डोंट नो, हैवी कहेंगे क्योंकि इस पे सारे दुपट्टे पे एम्ब्रॉयडरी है और मुझे लगता है कि ये मेरे सूट का सबसे ज़्यादा अच्छा फीचर है, तो इसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना चाहती हूँ, बल्कि सिर्फ इसे गले में लपेटने की बजाय। पर सम टाइम जब हमें डांस करना होता है या इवेंट को ज़्यादा इन्जॉय करना होता है तो हम इसको गले के साथ भी ले लेते हैं। सो मैंने आपके साथ कुछ अलग अलग से तरीके शेयर किए हैं जिससे आप अपना दुपट्टा मैनेज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हुए जल्दी से इस वीडियो से शुरू करते हैं। पर अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और ये खूबसूरत चेहरा पहली बार देख रहे हैं, आई डोंट नो अगर आपको ये खूबसूरत लगेगा या नहीं, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। मेरे चैनल पे बहुत सारी प्यारी प्यारी वीडियोस हैं, मेरे डेली लाइफ के व्लॉग्स हैं, कुकिंग है, बहुत कुछ है देखने के लिए, काफ़ी ज़्यादा बंच ऑफ चीज़ें हैं वहाँ पे। ज़रूर से वहाँ जाएं और मुझे फॉलो कर लें अगर आपको इनमें इंटरेस्ट है। मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और ऐसी और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो कमेंट बार में ज़रूर से सजेस्ट करना एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना, तभी मुझे पता चलता है कि आपको अच्छी लग रही है या नहीं। सो यस, शुरुआत करते हैं वीडियो के साथ। और दोस्तों, तो सबसे पहला तरीका होने वाला है दुपट्टे को अपने शोल्डर पे रखना। जो मैं साइड शोल्डर पे रख रही हूँ, इससे आपका दुपट्टा बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखेगा। और ये मेरा फेवरेट है, मुझे लगता है कि हर टाइम जब भी मैं सूट पहनती हूँ तो मैं अपने दुपट्टे को शोल्डर पे ही रखती हूँ। ऐसे आप बहुत एलिगेंट लगता है ये तरीका। ये सबसे ज़्यादा आसान है, इसे पिन कर लें ताकि हिले नहीं। दूसरे के लिए मैं मेरे दुपट्टे को अच्छी तरह फोल्ड करके पिद्दी सा बना रही हूँ, उसके बाद इसे मैं शोल्डर पर रख लूँगी। इससे आराम से अपनी आप आर्म्स को इधर उधर कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे वाले में आपको अपना दुपट्टे को मैनेज करना होता है। सो इससे आपकी आर्म्स फ्री रहती हैं और आपके सूट का सारा डिज़ाइन भी दिखेगा कि क्या चल रहा है आपके सूट पर। ऑलराइट, तीसरा है कि आप अपने इस फोल्डेड दुपट्टे को गले के साथ लगा लें। ऐसा आप कर सकते हैं अगर आपके गले पे डिज़ाइन है या आपके सूट पे ऐसा वर्क है जो आप ज़्यादा दिखाना चाहेंगे। और डांस करते समय मुझे लगता है ये परफेक्ट है, क्योंकि ऐसे आपका दुपट्टा हिलता भी नहीं है और आप जो मर्जी करें, जो करना चाहें कर सकते हैं। अगले वाला भी मुझे अच्छा लगता है, ये हमारी मम्मियों का फेवरेट हुआ करता है। ये अपने दुपट्टे को दोनों तरफ नॉर्मल तरीके से लें, शोल्डर्स पे पिन कर लें, एंड ऐसे आपका दुपट्टा विजिबली सारा दिखेगा। और अगर आपके पास डबल टमी है या थोड़ी बहुत स्किन इधर उधर लटक रही है, वो भी छुप जाएगी। और अगर आपका दुपट्टा हैवी है तो वो बहुत अच्छी तरह दिखेगा सारा। ये मुझे स्टाइल काफ़ी अच्छा लगता है और इससे आप पूरा पंजाबी गर्ल लगते हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। तो अगले स्टाइल के लिए क्या है कि आप एक तरफ से पिन को हटा लें और उसे अपनी आर्म पे आराम से कैरी करें। ये मैंने देखा है कि बहुत प्यारा लगता है बहुत सारे सूट्स के साथ। हो सकता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगे, पर आप ऐसे पिक्चर्स के लिए या थोड़े समय के लिए ऐसे कर सकते हैं, ये काफ़ी एलिगेंट लगता है। अब हमने हमारे दुपट्टे को एक तरफ पे टाई करके रखा है, दूसरी तरफ मैं इसे लपेट के अपनी अराउंड कमर पे पिन कर रही हूँ मेरे सूट पे। ये साड़ी की तरह लगेगा। आप इसको अपने बॉटम में भी इंसर्ट कर सकते हैं, पर ये जो मैंने सूट पहना है ये बंद है, इसमें कोई काज नहीं है, तो फिर मैंने इसे अपनी कमर पे पिन कर लिया। ये भी काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट लगता है। अगर आपका सूट बिल्कुल सिंपल है और दुपट्टा ज़्यादा हैवी है तो इससे दुपट्टा ज़्यादा दिखेगा और ये काइंडा लहंगे या साड़ी जैसी वाइब देता है, तो आप ऐसे भी पहन सकते हैं और ये कंफर्टेबल भी काफ़ी है एंड इससे भी आपकी टमी हाइड हो सकती है।
अगले के लिए मैं क्या कर रही हूँ, दो चार फोल्ड करके मैं इसे लगाने वाली हूँ मेरे दोनों शोल्डर्स पे। पहले हमने जब लगाया था तो हमने हमारे दुपट्टे को हमारी आर्म के साथ मैनेज किया था, पर आप अब इसे ऐसे फोल्ड करके पिन कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल पंजाबी सूट की लुक देता है और इससे भी आप जितना मर्जी नचे गाएँ ये ठीक रहेगा। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, एक तरफ पे टाई रखें और दूसरी साइड अपनी आर्म के साथ पकड़ लें, ये भी काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट लगता है। अगला स्टाइल है कि अपने दुपट्टे को पूरा पीछे ले जाएं, एक तरफ आप शोल्डर पे रख लें और दूसरा आर्म पे। इससे आपका दुपट्टा भी अच्छा शोकेस हो रहा है और आपके सूट की गले वाली एम्ब्रॉयडरी भी आसानी से दिख रही है। इससे ये बहुत अच्छा स्टाइल है, ये आप लहंगे के साथ बहुत अच्छा लगेगा। अगले स्टाइल के लिए आप अपने दुपट्टे को पीछे से दोनों शोल्डर्स पर रख लें, जैसे हम शॉल लेते हैं या कोई हैवी किस्म का दुपट्टा लेंगे। इससे आपका दुपट्टा अच्छा शोकेस होता है। मैंने यहाँ पे अपने दुपट्टे को शोल्डर्स पर पिन नहीं किया है, वो इसलिए दोबारा गिर रहा है, पर आप ज़रूर से पिन कर लें ताकि वो सिक्योर हो जाए और आप अपनी पार्टी को आराम से इंजॉय कर पाएँ। सो इस स्टाइल के लिए है कि आप अपने दुपट्टे को पिद्दी करके गले के साथ मफलर की तरह पहन लें, एंड इससे भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है इसको मैनेज करना। आप नच्चे गाएँ जो मर्जी करें, ये कहीं पे नहीं जाएगा। सो ये भी काफ़ी अच्छा है अगर आपका दुपट्टा बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, अगर हैवी भी है तब भी चलेगा। अगले स्टाइल के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, मैं मेरे दुपट्टे के जो ये कॉर्नर्स हैं एक दूसरे के साथ मैच कर रहे, यहाँ पे पिन करूँगी और इस पिन वाले कॉर्नर को एक शोल्डर पे रख लूँगी और दूसरी तरफ से हम इसे ऐसे ही रहने देंगे जैसे मैंने साड़ी पहनी हो। सो आप ऐसे रख सकते हैं अगर आपका दुपट्टा बहुत हैवी, एंड सूट बिल्कुल सिंपल है। और अगली स्टाइल में आप क्या कर सकते हैं कि जिस शोल्डर जिस साइड से ये नीचे गिरा हुआ उस साइड को अपने शोल्डर पर रख लें और दुपट्टे को लूज ही रहने दें और अपनी आर्म के साथ इसे मैनेज करें, मिडल से थोड़ा मैनेज कर लें कि अच्छा दिखे। सो ऐसे भी ये बहुत प्यारा लगता है, इससे आपका दुपट्टा आपका सारा सूट ढक जाता है और आपका दुपट्टा ही फोकस होता है क्योंकि वही आपके सूट का मेन अट्रैक्शन है। अगला स्टाइल आप ऐसे कर सकते हैं कि इसी तरह अपने शोल्डर पे रख लें, इसको पिन कर लें पूरा टाई करके, और ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर स्टाइल है। आप जो भी कर सकते हैं, अपनी आर्म आपकी वेली है, जिधर मर्जी घुमाएँ नचे गाएँ खाएँ पिएँ। सो ये भी काफ़ी प्यारा स्टाइल है। वैसे मुझे लगा कि इसके साथ मुझे जूड़ा कर लेना चाहिए, ये भी लाइक पंजाबी लुक लग रहा है बहुत अच्छी। सो इसी तरह हमारे ये प्यारे प्यारे स्टाइल्स फिनिश होते हैं। अगर आपके पास कोई अच्छा दुपट्टे को कैरी करने का तरीका है तो ज़रूर मुझे बताना, और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताना। या दैट्स इट, लेट्स गो। ऑलराइट प्यारे दोस्तों, सो आज के इस ब्यूटीफुल वीडियो के साथ बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अगर लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर लें। मैं आपको मिलूंगी जल्दी ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों, यू गाइज़ आर ब्यूटीफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग, वी गाइज़ कैन डू एनी फ्रिकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन, दैट्स इट, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। बाय।